अगेन एटिका स्पोर्ट्स इन वाइट कलर। ये कार नवी नहीं है दोस्तों, 25,000 किलोमीटर चल चुकी है, 1.5 साल हो चुका है ये कार को, लेकिन देख के कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन सर को तो 1.5 साल रुकेंगे, लेकिन बनाएंगे तो एटिका स्पोर्ट्स, और वो भी विगाटो से बनाएंगे। द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार, स्टनिंग स्पॉइलर हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, एक लुक आप देख सकते हैं। इन्फिनिटी टेल लाइट जो सेट ऑफ 6 पीसेस की आती है, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। और इंडोनेशियन जो बॉडी किट आती है फ्रंट बैक एंड साइड की, रियर की आप बॉडी किट देख सकते हैं। इसकी फिट फिनिशिंग 3 कलर की बॉडी किट आती है, वाइट सेटिन एंड ब्लैक कलर की दोस्तों, लेकिन एंड टू एंड रबर पैकिंग के साथ है। द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में, ये कार में 15 इंचेस के अलॉय व्हील लग के ही आए थे, लेकिन लुक नहीं है, स्टैंड आउट नहीं है। लुक चाहिए, स्टैंड आउट चाहिए, तो 16 इंचेस के एन लाइन के अलॉय व्हील इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। साइड की जो बॉडी किट आती है, अगेन 3 कलर की, जो एंड टू एंड रबर पैकिंग के साथ आती है, वो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। अब आएंगे फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में। फ्रंट प्रोफाइल क्रिस्टल DRLs, ये कस्टम हेडलाइट्स आती है। इनर प्रोफाइल इसका ब्लैक कलर का आता है, अलग अलग कलर, अलग अलग मोड्स है। डायनामिक रिप्लेसेबल ग्रिल हमने इंस्टॉल की है, ये कोई स्टिक ऑन ग्रिल नहीं है, हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की ग्रिल आती है, और वाइल्ड रनिंग एयर फ्लो में जरा सी भी तकलीफ आप लोगों को नहीं आएगी। अब आएंगे फ्रंट की जो बॉडी किट है, जो 3 कलर की आती है, एक एग्रेसिव लुक, खाली लुक तो देखिए दोस्तों, क्रिस्टल DRLs, इंडोनेशियन बॉडी किट और डायनामिक रिप्लेसेबल ग्रिल का, और एक 5 सेकेंड आप एडमायर करके देखिए फ्रंट एंड साइड से, लुक और स्टैंड आउट आप लोगों के सामने है। इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हैं, पर्शियन ग्रीन कलर के चारों डोर के हमारी लेदर रैपिंग है। इंटीरियर स्टाइलिंग की ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन की हमने की है। हमारी सीट कवर की फिट एंड फिनिशिंग सुप्रीमो 2 एडिशन के जो सीट कवर है, सुपर सॉफ्ट सीरीज के, सेम कलर की मैट्स भी हमने इंस्टॉल की हुई है। ऑल द पिलर ए बी और सी, तीनों भी पिलर हमने लेदर रैप किए हुए हैं पर्शियन ग्रीन कलर के। फ्रंट की जो इंटीरियर स्टाइलिंग किट है ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ, आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। अब इंटीरियर फ्रंट से, वॉल्ड्रॉफ जर्मन लेदर की डैशबोर्ड की लेदर रैपिंग की है ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन में, पर्शियन ग्रीन और वाइट कलर में दोस्तों। एक एक हमारी क्रॉस स्टिच का पैटर्न तो देखिए, हमने किस तरीके से इंस्टॉल किया है, स्टिचिंग वर्क किस तरीके से है। मसल स्पोर्ट्स स्टेयरिंग डी कट भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है, लेकिन कार्बन फाइबर फिनिश में, अप एंड डाउन एक एक मसल मोल्ड्स आप चेकआउट कर सकते हैं। ड्राइविंग का प्लेजर ये स्टेयरिंग में ही है दोस्तों, रेगुलर स्टेयरिंग में वो मज़ा नहीं है। एक्टिव एम्बियन लाइटिंग भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग मोड्स हैं। ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन की इंटीरियर स्टाइलिंग किट है। प्लेयर हमने अगेन ब्लॉपंग का सेंटा रोजा 985 विद द AHD कैमरे के साथ इंस्टॉल किया हुआ है। चारों डोर में प्रीमियम डैम्पिंग की हुई है एंड सोनी ES सीरीज के हमने कोएक्सल इंस्टॉल किए हैं। लेकिन स्टेयरिंग, दिस इज द नेक्स्ट लेवल। मेन इंटीरियर का काम करती है स्टेयरिंग, वाइल्ड ड्राइविंग ये अलग ही चीज़ है, और ये स्टेयरिंग कार्बन फाइबर फिनिश में की है, और इंटीरियर स्टाइलिंग किट हमने ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन की हुई है। अगेन इंटीरियर स्टाइलिंग किट की फिट एंड फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं, और ख़ास करके सीट कवर की कुशनिंग, किस तरीके से हम सीट कवर फिट करते हैं, तरीका क्या है हमारा काम करने का। सेम कलर की मैट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, लैमिनेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट किया ही नहीं है। लेकिन एक 5 सेकेंड में बोलूँगा, स्टेयरिंग, डैशबोर्ड और इंटीरियर स्टाइलिंग किट जो हमने की हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओनर ऑफ द कार भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा ये मौका देने के लिए। सर का कैसा रहा एक्सपीरियंस? जैसे कि मैंने बोला था, ये कार नवी है, 1.5 साल हो चुका है, 25,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन कार बनेगी तो एटिका स्पोर्ट्स बाय द विगाटो, नहीं तो नहीं बनेगी। सर कशी वाटली और जो अब लेके आए थे आप कार, और अभी आप जिस तरीके से डायनामिक तरीके से जो चेंज हुआ है, एक नंबर। जो आपने बोला था वो सही तरीके से काम हो गया, एकदम मस्त, मज़ा आया। फैंटाबुलस। मैंने पहले भी यहाँ पे मेरी वेन्यू बनाई थी, और तनवीर भाई के ऊपर मुझे इतना भरोसा है कि वो जो भी करेंगे
वो टॉप क्लास ही बनाएंगे। और अभी मैं तनीर भाई को अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे पास अभी दो इरिटिका नई आने वाले है और एक वैगनर आने वाले है, वो भी यहाँ पे बेस्ट मॉडल से टॉप मॉडल बन के जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन इतना है, ये कार है ना, जिधर भी देखोगे ना, ऑल ओवर इंडिया में किधर भी घूमे, ये पहचान जाएगी कि ये हमने बनाई हुई है। और थैंक यू दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से आप लोगों ने सपोर्ट और प्यार आपने दिया है, थैंक यू।